हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो मैं आपके लिए टॉप लेके आई हूँ, ये समर टॉप है। और जो मैंने ये है ना धागा ख़रीदा हुआ है, ये मैंने अमेजोन से लिया था। आपको तो कॉटन थ्रेड करके है ना, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो आप ये देख लेना आप अपने हिसाब से। और इसका जो ये ब्रांड है वो आप देख लीजिए, ये ऑल रॉयल ब्रांड वालों का है। तो आप है ना, अगर है ना अमेजोन पे जाके देखेंगे तो ये मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि है ना, ये वाले जो थ्रेड है, इससे मैंने ना 3 साल की बच्ची को ये ठीक आया है जो मैंने बनाया है टॉप। और आप इसे लास्ट में देखना कि मेरी क्यूट सी मांझी ने, बेटी ने, रायना ने ये पहन के भी दिखाया है। और इसमें अगर आपको कुछ समझना है तो लास्ट में आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगी। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो चलिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए, ये हमने 5 चेन ली। और 5 चेन ली के मैंने यहाँ पे 2 लास्ट वाली चेन में डाल के इसे जॉइंट कर लिया और 2 चेन ले ली। और 2 चेन लेने के बाद मैंने उसी में डाल के देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से एक डबल क्रोशिया। फिर ये ऐसे ही हम है ना, इसमें ना एक ये डबल क्रोशिया बना लिया, सॉरी ये डबल नहीं, ट्रिपल क्रोशिया है, जो हम दो दो करके ना, ये देखिए 2 बार क्रोशिया के ऊपर फंदे लेते हैं और 3 बार हम दो दो करके निकालते हैं, वो हमारा ना ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो देखिए, इसमें हमने 1 2 3 4 5, तो ये एक हम कर लेंगे कम, ये ना हम 4 डबल ट्रिपल क्रोशिया चाहिए। 2 चैन ली हमने, फिर इसमें डाला, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इसमें हमें ना 4 4 के ना 4 ट्रिपल क्रोशिया के सेट बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इसमें हमारे ना फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे हमें ना 4 और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमें ना आगे तक, ये देखिए 4 बनाए, फिर 2 चैन ली, फिर 4 बनाए, फिर 2 चैन ली। तो ऐसे ही हमने ना ये 4 बार बनाए हैं, 4 4 ट्रिपल क्रोशिया हमने 4 बार बनाए हैं। लास्ट में हमने 2 बार चैन ले के, हमने लास्ट में जहाँ पे शुरू किया था वहीं पे हमने ये जॉइंट कर दिया है। उसके बाद में हमने फिर से 2 चैन ली, 2 बार देखिए हमने क्रोशिया के ऊपर फंदा लिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। जो हमारे ये 4 ट्रिपल क्रोशिया है ना, इनके ऊपर ही हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमने जो चैन बनाई है उसे भी हम ट्रिपल क्रोशिया ही गिनेंगे। देखिए ये लास्ट वाला है, इस लास्ट के ऊपर भी हमें ना 4 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो बन गए। उसके बाद हम यहाँ पे ना देखिए, ये 4 हो गए, 2 चैन ली और इसी में डाल के देखिए, जो आगे हमने चैन ली थी ना पहले 2, उसमें भी हमें ना 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हम आगे तक बनाते जाएंगे। जो हमारे चैन है 2, उसमें हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और जो 4 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ना ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमने 2 चैन लेके फिर हमने जो ये ट्रिपल क्रोशिया है इनके ऊपर बनाते जा रहे हैं। तो 4 के ऊपर हम 4 ही बनाएंगे और इसके आगे ऐसे ही हमें ना यहाँ पे पूरे में बनाते जाएंगे, 4 4 के ऊपर 4 4 और फिर जो 2 चैन है उनमें भी 4। ऐसे ही हमने ये ना पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद हमने जहाँ पे ये चैन ली थी ना उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। और ये जॉइंट करने के बाद देखिए, 1 मिनट में आप जॉइंट करके दिखा देती हूँ पहले। और ये जॉइंट करने के बाद हमने 4 चैन ले ली, फिर से जो हमारे ये 4 ट्रिपल क्रोशिया है ना इनके ऊपर हमने देखे पहले के ऊपर एक जो हमारी चैन है वो हम गिनेंगे और ये दूसरा हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया था और अब ये तीसरा बना लिया है। तो ट्रिपल क्रोशिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो हमारा ये टॉप बन रहा है, ये हमारा पूरा ट्रिपल क्रोशिया से ही बनेगा। देखिए अब हमने यहाँ पे 7 चैन ली
और 7 चैन लेनी। 4 ट्रिपल क्रोशिया पूरा करने के बाद ना 7 चैन ली और 7 चैन लेके जो आगे वाला 4 ये है ना, देखिए ये चैन हम छोड़ देंगे ये वाली, और ये आगे जो हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया हैं उनके ऊपर फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट करेंगे, ये वाली जो लाइन है ये हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद देखिए ये हो गया। अब हम आगे वाली चैन छोड़ देंगे 7 चैन लेने के बाद। पहले हम 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन हो गई। फिर दो बार हमने क्रोशे के ऊपर फंदा लिया और ये जो 4 ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। देखिए एक बना दिया पहले, ऐसे ही हम पूरे पे बना लेंगे। 7 चैन लेंगे और सबके ऊपर 4-4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए 7 चैन लेके जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे जोड़ दिया। अब हम ये सिंपल स्टिच से यहाँ हम चैन पे ले आएंगे। देखिए ये जो ट्रिपल क्रोशिया है ना 4, इन्हें हम छोड़ देंगे सिंपल, इसके बीच में हमने बना लिया। 2 हमने छोड़ दिए और जो बीच वाला था वहाँ पे डाल के हमने 4 चैन ले ली। 4 चैन लेके यहीं पे डाल के हमने एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, और जो आगे वाली चैन थी उसमें हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। तो ये देखिए ये आधे वाले पे ही हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हमने देखिए 2 चैन छोड़ के यहाँ पे इसे इस तरह से जॉइंट कर दिया। अब हम जो आगे वाला है, देखिए ये जो हमारी 7 चैन थी ना, सॉरी हमने 3 चैन छोड़ के तभी से जॉइंट किया है। उसके बाद में हमने फिर से बिना कोई चैन लिए, देखिए आगे वाले जो 3 चैन थी वो छोड़ के और जो ट्रिपल क्रोशिया था ना उसकी फर्स्ट वाली चैन में डाल के 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर उसके आगे वाली चैन में हमने देखिए 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर वहीं पे डाल के हमने एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारे 4 हो गए। अब हम यहाँ पे ना 7 चैन लेंगे, और 7 चैन लेने के बाद ये देखिए 7 चैन लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए दो बार हमने क्रोशे के ऊपर फंदा लिया और उससे जो अगले वाली चैन है उसी में डाल के हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। अगर आपको इसमें ना कुछ भी समझना है या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर लेना बनाने से पहले, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी और आपके हर डाउट क्लियर करूंगी। तो चलिए देखिए ये जो देखिए 2 में हमने इधर साइड 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और 2 में इधर साइड, फिर हमने 3 चैन छोड़ दी और इसे इस तरह से जॉइंट कर दिया। तो ये देखिए आपको देखने से भी समझ आ जाएगा कि हमने इसमें कैसे किया है। फिर आगे वाली जो ट्रिपल क्रोशिया थे उसमें डाला, देखिए एक ही चैन में हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर उसके आगे वाली चैन में फिर से 2 बार बनाएंगे। तो जैसे हमारा ये हुआ है ना देखने में, ऐसा ही हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए हमने 7 चैन ले ली, फिर इसकी आगे वाली चैन में फिर से हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक हो गया और ये 2, और उससे आगे वाली चैन में हम फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक एक चैन में हम 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 3 चैन छोड़ देंगे और 4th वाली में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, और आगे फिर से हम यहाँ पे ना बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए है ना ये आसान, इसी तरह से हमें ना ये वाली पूरे राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने ये बनाया है ना, ऐसे ही हमें ना पूरा राउंड कंप्लीट करें, और ये कंप्लीट करके कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हमें ना लास्ट में हमने क्या किया है, देखिए चैन लेके 7 चैन ली थी हमने और यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया है, जहाँ से हमने चैन लेके शुरू किया था ना वहीं पे,
और ये हम अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। एक मिनट में करके दिखा देती हूँ आपको। फिर हमने चार चैन ली यहाँ पे, और देखिए चार चैन लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए फिर से हमने दो बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लिया और ये आगे वाली चैन में डाला, और ये हमने दो बार निकाल लिया और एक फंदे को क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर से दो बार फंदे को लिया, देखिए एक बार, दो बार, दो बार निकाला और तीसरी बार का क्रोशे के ऊपर ही रहने दिया। तो जो हमारे ये चार इधर हैं और चार इधर हैं, तो आठ ट्रिपल क्रोशिया है ना, उन सब के ऊपर हम इसी तरह से है ना, देखिए इस तरह से ले लेंगे और एक फंदा हम क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा हमारा क्रोशे के ऊपर, फिर हम आगे में डालेंगे, फिर हम ये इस तरह से लेंगे, देखिए फिर आगे वाले में डाला, फिर हमने एक दो, दो फंदे निकाल दिए और एक क्रोशे के ऊपर, तो ये सारे एक साथ हो गए। अब हमें इनमें क्या करना है कि इन सभी फंदों को, ये देखिए मैं यहाँ पे बीच में बनाना भूल गई, मैं अभी बना के दिखा देती हूँ। तो हर एक चैन में डाल के हमने एक साथ लिया और अब इन सबको एक साथ निकाल लिया। निकालने के बाद हमने एक चैन ली यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे सात चैन लेंगे। देखिए दो हो गई, तीन, चार, पाँच, छः, और एक हमारी लास्ट में शुरू में जो हमने ली थी वो हो गई, तो सात चैन हो गई। अब हम यहाँ पे एक चैन छोड़ के जो अगले वाली चैन है उसमें डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। ये हो गई, फिर हम यहाँ पे ना सात चैन लेंगे और ये इसके आगे वाले में डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप है ना सात चैन भी ले सकते हैं, पांच भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी होती है। वैसे है ना मैंने तो सात ही ली हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने सात चैन ली और ये जो आगे वाला डबल क्रोशिया है वहाँ पे डाल के हमें, यहाँ पे हमें ना इस तरह से जॉइंट नहीं करना है, यहाँ पे अब हमें ना बिना लिए ही यहाँ पे है ना डबल क्रोशिया हम बनाना शुरू कर देंगे, वो ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये यहाँ पे है ना, इस ये वीडियो में थोड़ा सा बड़ हो गई है, वो मैं आपको है ना अभी आगे दिखा दूँगी। तो जैसे हमने इसमें लिया था ऐसे ही हम इन सब में एक साथ ले लेंगे और इन सब को एक साथ ही इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे सात चैन ले लेंगे इस तरह से, और सात चैन लेने के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात, ये हमने ना सभी में सात चैन लिए हैं। शायद ये वीडियो में दिखाने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये हमने सात चैन ही लेके किया है। उसके बाद में एक चैन छोड़ के फिर से हम इसे यहीं पे जॉइंट कर देंगे। ये हो गया, फिर हम यहाँ पे सात चैन लेंगे और सात चैन लेने के बाद यहाँ पे डाल के हम इस तरह से, यहाँ पे हम सिंपल है ना ट्रिपल क्रोशिया भी बनाना शुरू कर सकते हैं और चैन भी ले सकते हैं, ये हमारी खुद की मर्जी होती है। अगर हम यहाँ पे ना सीधा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो भी इसका जो लुक है वो अच्छा आएगा, और आप इस तरह से जॉइंट करेंगे तो भी अच्छा आएगा। वो आप देख लीजिए, इसी तरह से हमें ना ये पूरे में बना लेंगे, तो मैं पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए ये पूरे में बन गया। अब हमने लास्ट में ना यहाँ पे सात चैन ले ली, और जहाँ से हमने ये देखिए ये था ना इधर ऊपर की साइड, यहाँ पे डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे, और जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको अभी। तो जहाँ पे हमने ये जॉइंट किया ना उसमें हमने एक चैन ली, दो, एक मिनट, ये चैन मैंने निकाल दी। अब हम इसी तरह से यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे ना बीच में आ जाएंगे। देखिए सिंपल क्रोशिया करते करते है ना हम यहाँ है ना इसके जो हमारा बीच वाली जो हमने सात चैन ली थी हम उसमें आ गए हैं, और यहाँ पे डाल के हम, ये देखिए हमने चार चैन ली और इसके अंदर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया और एक चैन, यानी कि दो हो गए, ये तीन हो गए, अब ये चार हो गए,
तो चार ट्रिपल क्रोशिया हो गए। उसके बाद में हम यहाँ पे ना फिर से सात चैन लेंगे, और सात चैन लेने के बाद हम यहाँ पे फिर से चार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये हमने ना यहाँ पे चार ट्रिपल क्रोशिया बना लिए, लास्ट बचा हुआ है तो चार हो गए। उसके बाद में हमें ना यहाँ पे फिर से सात चैन लेंगे, और सात चैन लेने के बाद ये जी देखिए, ये जो हमारी सात चैन थी ना, इसके बीच में डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे सिंपल क्रोशिया से। यहाँ पे हमने फिर से सात चैन लेंगे, ये देखिए ये बीच में हमने ये बना लिए है ना, चार ट्रिपल क्रोशिया, सात चैन और चार ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद में हमने सात चैन लेके आगे वाली चैन के बीच में जॉइंट कर लिया, फिर हमने सात चैन ली, देखिए सात हो गई। फिर जो ये आगे वाली चैन है इसके बीच में हम डाल के फिर से सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। देखिए ये जो है ना बीच वाला हिस्सा, उसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। अब हम फिर से सात चैन लेंगे। अब हमें ना हर जगह यहाँ पे सात चैन ही लेनी है, और जो ये आगे वाली चैन है ना इसके बीच में डाल के तीन चैन इधर छोड़ेंगे, तीन इधर, और जो बीच वाली चैन है उसमें डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट करने के बाद हम फिर से सात चैन लेंगे इस तरह से। और ये सात चैन लेने के बाद हम यहाँ पे ये ना देखिए, ये जो अगले वाली चैन है इसमें जॉइंट करेंगे, फिर जो इसके आगे वाला है इसमें हम सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे, और इसके आगे वाले के बीच तक ले जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए एक जो हमारा बीच में हमने ये बनाया था ना, इसमें ये बना लिए चार ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमने आगे वाले में सिर्फ चैन बनाते गए, सात सात चैन बना के हर चैन के बीच में जॉइंट कर लिया। अब हमने इसके बाद हम इस वाले में बनाएंगे, बीच में एक छोड़ देंगे, फिर यही वाला जो हमने ये चार चार बनाई है ना वो बनाएंगे, एक में बनाएंगे और एक में हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे टोटल चार हैं, तो सॉरी आठ हैं हमारे जो बीच वाला हिस्सा है, और आठ में से हम चार में तो हम ये चार चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और सब में हम सिंपली इस तरह से ही हम चैन बनाते जाएंगे। तो ये जब हम आप पूरा बना के दिखाऊंगी ना आपको अभी, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या करना है। इसमें ना बहुत आसान है, अगर आप एक बार देख के समझ लेंगे तो आप है ना अपने आप आराम से ना ये टॉप बना सकते हैं। और ये बनाने में भी पता है मुझे सिर्फ एक घंटा लगा है, एक से डेढ़ घंटे में मैंने ये ना पूरा टॉप कंप्लीट कर लिया है। और ये टॉप बनाना भी बहुत आसान था। और हाँ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जो ये हमारा ये क्रोशिया है वो 2.0 यानी कि 2 mm का है। तो देखिए अब हम बीच में आ गए, यहाँ पे भी हमने देखिए चार ट्रिपल क्रोशिया बनाए, सात चैन ली और चार ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। देखिए पहले यहाँ बनाया था, फिर ये बीच वाला छोड़ दिया, फिर यहाँ बनाया, उसके बाद में फिर से हम सात सात चैन ले कर यहाँ तक बनाते जाएंगे। देखिए जैसे ये सात चैन ले ली और इसके बीच में जोड़ दिया, इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे, और बना के हम ये ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। सेम बनाते बनाते ना जब हमारी सात चैन लेंगे और हर चैन के बीच में इसे जॉइंट कर देंगे, तो ये पूरी लाइन है ना मैं एक बार कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि है ना ये इस तरह से करना है। बस इसमें ये छोड़ दिया देख, और अब हम आगे वाले में है ना फिर से ये चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे ये बनाए हैं ना सेम ऐसे ही यहाँ पे बना लेंगे, ये छोड़ देंगे और फिर इसमें बनाएंगे, फिर हम देखिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा बना के देखिए हमारा ये चकोर डिज़ाइन बनना शुरू हो गया, और हमने देखिए इसमें बनाया यहाँ और यहाँ, तो हमारे ये चार बन गए, और बीच में एक एक में हम सिंपल चैन ही बनाते गए। तो देखिए अब हमने सात चैन लेके जहाँ से ये चैन लेके शुरू किया था ना वहाँ पे ये जॉइंट कर दिया।
अब हम सिंपल क्रोशिया के इसके बीच में चले जाएंगे सिंपल क्रोशिया लेते हुए। देखिए इस तरह से, ये देखिए इसके बीच में हम आ गए। यहाँ पे हम है ना फिर से है ना चार चैन लेंगे और तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और एक चैन को गिन लेंगे तो चार ट्रिपल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हो जाएंगे। ये सिंपल है बहुत ही बनाने में। देखिए चार सिंपल ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम सात चैन लेंगे इसमें, और इससे इसी में डाल के जो हमारी चैन थी उन्हीं में डाल के हम चार और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। और आपको मैं बता दूँ कि ये आगे तक है ना इन चार चार जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इनके ऊपर सेम इसी तरह से पूरा आगे तक हम बनाते जाएंगे। हम जितना भी हमें बड़ा टॉप बनाना है उतना बड़ा बनाने के लिए हम इसी तरह से करेंगे। तो है ना ये आसान। देखिए फिर हम सात चैन लेंगे और फिर से हम आगे वाली चैन के बीच में डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे जॉइंट करने के बाद जो जितनी भी चैन है उन सब में हम इसी तरह से करेंगे। सात चैन लेंगे इसके बीच में हम जॉइंट करेंगे, फिर सात चैन लेंगे तो इसके कोने तक जहाँ पे ये चार ट्रिपल क्रोशिया है ना वहाँ तक हम ऐसे ही कर लेंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। देखिए पहले हम इसमें ना चार, देखिए चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अब इस चैन में, और चार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस तरह से, ये देखिए पहले हम चार ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मैं चार पूरा कर लेती हूँ और सात चैन लेके फिर एक और चार बना लूँगी। देखिए ये कंप्लीट हो गए, अब हम यहाँ पे ना सात चैन लेंगे। सात चैन लेके यहीं पे हम इसे एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, टोटल हम यहाँ पे है ना चार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से ना हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा, और कंप्लीट करने के बाद हम फिर से सात चैन लेंगे, और जो ये आगे चैन दिखाई दे रही है ना उनके बीच में अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये वाली इसमें डाल के हम बीच में डाल के इस सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, फिर चार चैन सात चैन लेंगे और इसके आगे वाले पे डाल के हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही है ना हम ये पूरी राउंड है ना कंप्लीट करेंगे, और आगे तक ना ये टॉप बनाने के लिए आगे तक हम इस तरह से ही बनाते जाएंगे, और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। आपको जितना बड़ा बनाना है ये एक पार्ट बनेगा, उतना बड़ा आप बना लेना। जैसे आपको 5 साल 6 साल या 7 साल की बेटी के लिए बनाना है तो उसका नाप ले लीजिए, आप उसी हिसाब से ना नाप के देख लीजिए उतना ही बड़ा ये बनाते जाइए। मैंने ये 3 साल की लड़की के लिए बनाया है तो मैंने इसमें है ना, मैं अभी अभी आपको गिन के दिखा दूँगी कि किस तरह से क्या है। ये वाले जो चार चार हैं ना ये हमने 9 लाइनें बनाई हैं। देखिए ये इसी तरह से हमें ना ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने ये 2 पेयर बना लिए हैं, ये आगे का है और एक पीछे का। तो इसे बनाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जितना बड़ा आपको करना है उतना कर लिया, उसके बाद में इसमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए 9 हैं ये, मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ, ये 9 लाइनें मैंने बनाई हैं। तो ये 9 लाइनें 3 साल की लड़की के लिए काफ़ी है। अगर आपको 4 के लिए बनाना है तो 10 या 11 बनाइए, और 5 के लिए बनाना है तो 11 से 12 बनाइए। तो इसी तरह से आप बढ़ाते जाइए ये लाइनें, या फिर है ना आप बच्ची से है ना नाप के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमने ये 4 चैन ली और इस चैन में डाल के हमने,
देखिए, एक दो ये तीन और एक चैन, यानी कि चार ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। देखिए मैं एक मिनट दिखा देती हूँ, देखिए तो ये हमारे चार ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हम इस चैन में आगे की साइड जो आगे चैन आएगी ना उसके बीच में जहाँ पे हमने जॉइंट किया था ये सिंपल क्रोशिया से, वहाँ पे ये इसे सिंपल क्रोशिया से ही जॉइंट कर देंगे। ये हम बॉर्डर बना रहे हैं यहाँ पे। फिर से हम चार चैन लेंगे और चार ट्रिपल क्रोशिया इसकी आगे वाली चैन में हम ले लेंगे। ये एक हो गया, ये दो, देखिए फिर से हमने एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, इसमें एक और बना लिया, यानी कि टोटल चार हो गए। अब हम फिर से जहाँ पे देखिए सिंपल क्रोशिया से जॉइंट किया था वहीं पे डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा इस तरह के बॉर्डर बनना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हमें ना पूरे में चारों तरफ बना लेंगे और इस कोने पे आके हमें क्या करना है वो मैं दिखा दूँगी आपको अभी। देखिए हम कोने पे आ गए और ये चार ट्रिपल क्रोशिया बना लिए और ये चैन में डाल के हमने इसे जॉइंट कर लिया सिंपल चैन क्रोशिया से। और जो हमारा ये बीच का है ना, एक बार आप रख के देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि है ना ये बीच में हमें किस तरह से करना है। सेम इसी तरह से हम देखिए फिर से चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और चार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहीं पे इस तरह से रख के, देखिए पहले मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिए ये जो बीच वाली चेन है ना इसमें डाल के हम, मैंने तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है तो मैं यहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर लूँगी सिंपल क्रोशिया से और यहीं पे कट कर दूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से चार बनाएंगे, देखिए बीच में, फिर बीच वाली चैन में फिर से एक और बनाएंगे। देखिए ये जो कोना है वो हमें इस तरह से बनाना है, मैं रख के दिखा देती हूँ आपको अभी। देखिए मैंने दोनों पार्ट बना लिए हैं ये टॉप के। अब मैं आपको है ना इसे जोड़ना बताऊँगी। देखिए इस तरह से, एक सेकंड में दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये हमारे दो पार्ट बन गए हैं। अब इसका ना हम कोई सा भी कोना पकड़ेंगे इस तरह से और कोना एक दूसरे से इस तरह से मिला लेंगे। और ये मिलाने के बाद देखिए ये जो हमारे तीन थे ना यहाँ पे चार चार ट्रिपल क्रोशिया उसमें डाल के हम सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए ये जो कोना था ना, कोने पे जो थे इन दोनों में, देखिए दोनों साइड से हमने सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर रखा और उल्टी साइड से हम सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर रहे हैं। इधर से भी चैन में डालना है, उधर की भी चैन में डालना है और सिंपल क्रोशिया बना के इसे जॉइंट कर देना है। तो है ना आसानी से जोड़ना। ऐसे ही हम दूसरा कंधा भी जोड़ लेंगे सेम इसी तरह से, जैसे सिंपल क्रोशिया से हमने ये जोड़ा है ना सेम वैसे ही हम दूसरी साइड भी जोड़ेंगे। तो ये पूरा जोड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और ऐसे ही हम है ना इधर साइड से दूसरी साइड से भी जोड़ देंगे सेम सिंपल क्रोशिया से हमें इसे जोड़ना है, इसमें कोई वो नहीं है, आराम से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये ना किस तरह का लगने वाला है। तो देखिए ये उल्टा था, अब मैं इसे ना देखिए पलट लेती हूँ एक बार। तो ये पलट के हमारे कंधे जुड़ गए। ये गर्मियों में इतना प्यारा लगता है ना टॉप कि सभी इसके दीवाने हैं। मैंने तो छोटी बच्ची का बनाया है लेकिन ये बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमें ना इसके ना साइड में जो हमें चैन डालनी है मैं वो बना लेती हूँ। इसे हम साइड से ना जॉइंट नहीं करेंगे, इसे हम साइड से ना इसमें ना जो रस्सी डालते हैं ना डोरी बना के वो डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए पांच चैन ली पहले, लास्ट में डाला और इस तरह से इसे लास्ट वाले में डाल के जॉइंट कर लिया। और यहाँ पे डाल के हमने एक एक डबल क्रोशिया अब इस राउंड में हम बनाते जाएंगे।
इसमें हम 10 से 12 है ना डबल क्रोशिया बना लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए इस तरह का राउंड बन गया। अब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे डाल के जॉइन कर दिया। अब हम सिंपल इसमें चैन बनाते जाएंगे। जितनी बड़ी हमें डोरी चाहिए हम उतनी बड़ी इस तरह से ही सिंपल ही चैन बनाते जाएंगे। और डोरी बनाने के बाद इसके दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने सेम तरीका का ये राउंड सा बना लिया है। तो बनाने के बाद दोनों साइड अब हम देखें नीचे से जितना हम चाहें ना उतना कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है इसे ना आप अपने तरीके से डालना। जो डोरी है किसी को जिग जैक वाली डोरी पसंद आती है तो किसी को है ना सिंपल ही डोरी डालना पसंद आता है। तो जहाँ तक आपको है ना ये देखिए बंद करना है वहाँ तक आप इस तरह से नाप लेंगे। मैंने ये देख कोने से कोने मिलाया। वो मिलाने के बाद 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने ना 5 जो ये डिज़ाइन है ना 5 डिज़ाइन से है ना हमने ये जॉइंट करना शुरू किया है डोरी डालना। तो ये हम डोरी इस तरह से एक तरफ से डालेंगे फिर हम दूसरी तरफ से लेंगे और ये इधर साइड डाल देंगे। मैंने ये जिग जैक वाली डोरी डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से फिर हम इसे ना दूसरे पर एक साइड को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे डिज़ाइन को। देखिए इस तरह से पकड़ के हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम उधर साइड का पकड़ेंगे और इधर साइड वाले में डाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें ना पूरी डोरी डाल लेंगे। डोरी डालना बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से इसे डाल सकते हैं। तो पूरी डोरी डाल के फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक सेकंड मेरे कैमरे में कुछ हो गया था। तो देखिए मैंने इस तरह से ये जिग जैग वाली डोरी डाल ली है। अब हम इस साइड जा रहे हैं और दूसरी साइड ये लास्ट में हो गए। अब ये डोरी यहाँ पे ही कंप्लीट हो गई है। और ये कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे देखिए इस तरह से यहाँ पे ना इसे हल्की सी नोट बांध देंगे। इससे क्या होगा अगर हमारी है ना बेबी थोड़ी हेल्दी भी है उसे भी ये फिट आएगा क्योंकि हम थोड़ी ढीली डोरी बांधेंगे। और अगर हमारी बेबी पतली है ज़्यादा ही तो हम उसे ना टाइट करके डोरी बांध देंगे। लेकिन ये सब साइज़ में ना ये सही आएगा। तो इसी तरह से डोरी मैं दूसरी साइड भी डाल लूँगी और दूसरी डाल डाल के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी क्यूट सी रायना है मेरी भांजी जो बहुत प्यारी है। देखना ये इससे छोटी बेबी के लिए मैंने बनाया था लेकिन इसे ये इतना पसंद आया कि इसने भी डाल लिया। अगर आप शॉर्ट टॉप पहनाना चाहते हैं तो आप ये 5 साल की बच्ची पहना सकते हैं और ये बहुत प्यारा लगता है। ये ना ब्लैक टॉप पे ये जैसे ब्लैक शॉर्ट्स पहनते हैं उन पे बहुत अच्छा लगता है। ओके बाय एवरीवन। अगर इसमें कुछ भी समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना और मेरी प्यारी सी बीबी आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।